बड़ी खबर सामने आ रही है, देशभर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कमी हुई है। पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है और उसी के फलस्वरूप ये नतीजा सामने है कि पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर अब सस्ता मिलेगा। दरअसल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 8 रुपए सरकार ने कम की है और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है और इसका बेनिफिट लोगों तक पहुंचेगा, ग्राहकों तक पहुंचेगा और पेट्रोल 9.5 रुपए पहले के मुकाबले आपको सस्ता मिलेगा और डीजल पहले के मुकाबले 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना में 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी भी मिलेगी। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर और जो लोग महंगाई से जूझ रहे थे उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर, क्योंकि लोग भी ये कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी होनी चाहिए, सरकार को एक्साइज ड्यूटी में कमी करनी चाहिए। तो इस वक्त लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी कमी की है। 8 रुपए पेट्रोल में और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की कटौती के बाद अब जो नए दाम पेट्रोल के होंगे उसमें 9.5 रुपए प्रति लीटर आपको कम देने होंगे और वहीं डीजल में प्रति लीटर अब आपको 7 रुपए कम देना होगा। यानी कि पेट्रोल में 9.5 रुपए और 7 रुपए डीजल में अब आपको कम देना पड़ेगा। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर और देश भर में ये नई कीमतें लागू हो जाएंगी। ये स्टेट वाइज नहीं है कि जहां पर वैट कम कर दिया तो उससे आपको मामूली राहत मिली, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद ये फैसला केंद्र सरकार का है जिसका पूरे देश भर के लोगों को फायदा मिलेगा। और इससे पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कुछ कदम केंद्र आगे चले तो कुछ कदम राज्य सरकारें भी आगे चले, क्योंकि हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करते हैं साथ में अगर आप वैट कम कर देती हैं स्टेट गवर्नमेंट तो इससे लोगों को डबल बेनिफिट होगी। क्या क्या इससे सस्ता हुआ ये भी समझिए, लोहा, स्टील, प्लास्टिक के सामान, पेट्रोल डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर की जो बात हो रही, केमिकल प्रोडक्ट्स, इन सब में कमी आई, तो इस वक्त लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर। ना सिर्फ दोपहिया या चार पहिया वाहनों के लिए बल्कि घर में जो खाना पकता है उस सिलेंडर में भी 200 रुपए की सब्सिडी अब लोगों को मिलेगी उज्ज्वला योजना के तहत। तो ये लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। और इसके बाद देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ट्वीट भी सामने आया, गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है सरकार, ये वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है। हमारी सरकारों में महंगाई पहले की तुलना में कम हुई है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये ट्वीट सामने आया और इसे कहा जा रहा है कि जनता के लिए मोदी सरकार की तरफ से बड़ी सौगात, हमारी सरकारों में महंगाई पहले की तुलना में कम हुई है, ये वित्त मंत्री कह रही हैं ट्वीट करके।